हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, यू आर स्टेइंग सेफ एंड यू आर स्टेइंग हेल्दी। तो आज की वीडियो में आई शेयर अ रेसिपी विद यू। द रेसिपी इज़ ऑफ गार्लिक ब्रेड रोल्स। बहुत ईजी है इसको बनाना और बहुत टेस्टी है। आप इसको एज अ टी टाइम स्नैक खा सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें कोई ईस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई फर्मेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये एकदम इंस्टेंटली बन जाती है। ऑल्सो अगर आप चाहो तो विदाउट अवन भी इसको बना सकते हो और विद अवन भी इसको बना सकते हो। सो इट्स वेरी ईजी, वेरी टेस्टी। इफ यू ट्राई इट देन डेफिनेटली यू लव इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स द ओनली वे आई नो दैट यू लाइक माई वीडियोज़, यू वॉन्ट टू सी मोर सच वीडियोज़, एंड ऑल्सो इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो इन्ग्रीडियंट्स के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1/2 कप ऑफ मिल्क, 8 से 10 हमें गार्लिक क्लोव्स चाहिए मिन्स्ड, और उसके बाद पिज्ज़ा मसाला और एक गैनो या जो भी आपके पास हो, बेकिंग पाउडर, और हमें चाहिए दही, 4 टेबल स्पून्स ऑफ दही, होममेड दही आप यूज़ कर सकते हो। तो यही जो घर पे इंग्रेडिएंट्स सबके अवेलेबल होते हैं, बस वही हमको चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो उसके बाद मैं 2 बोल्स ले रही हूँ, 1 बोल वेट के लिए और 1 बोल ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बोल में डालूंगी 2 कप मैदा, मैदा या फिर जैसे हम रिफाइंड फ्लावर बोलते हैं वो डालूंगी मैं इसमें 2 कप। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून्स ऑफ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून आपको इसमें डालना है। बेकिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा डो राइज करे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट फॉर सीजनिंग। आप 1 टीस्पून ही डालना, ऑलमोस्ट सबके टेस्ट बड्स में 1 टीस्पून सही लगता है इसमें। उसके बाद सब कुछ अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी जितने भी मेरे वेट ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून ऑफ पिज्ज़ा सीजनिंग। अगर आपके पास ये वाली पिज्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो आप कोई भी जो आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास डोमिनोज या पिज्ज़ा हट के छोटे वाले सीजनिंग पैकेट्स हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो सब कुछ डाल के मैं अच्छे से एक साथ मिक्स कर लूँगी। उसके बाद वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं डालूँगी 1/2 कप मिल्क, और उसके बाद जो मेरा 4 टेबल स्पून्स ऑफ दही है वो मैं इसमें डालूँगी, और उसके बाद जो मैंने गार्लिक मिंस किया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, और सब कुछ अच्छे से मैं विस्क कर लूँगी ताकि कोई लम्ब्स ना हो, और अच्छे से जितने भी मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो साथ में मिक्स हो जाए। तो आप ये ट्राई करना कि वेट और ड्राई आप 2 अलग बोल में डालो पहले, और उसके बाद आप उसको मिक्स करो, वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपका डो बनता है। एकदम से अगर सब कुछ साथ में डाल दोगे तो हो सकता है आपका डो इतना अच्छा ना बने, तो ट्राई करना कि आप दोनों अलग बोल्स में बनाओ। उसके बाद हम इसको 1 बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इकट्ठा नहीं सारा डालेंगे, हम स्लोली स्लोली डालेंगे, थोड़ा डालेंगे मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे। सो स्लोली स्लोली हम सारा कुछ इनकॉर्पोरेट करेंगे और हम एक इसका डो फॉर्म करेंगे। तो धीरे धीरे करके डालो एंड देन मिक्स इट टुगेदर, अच्छे से मिक्स करो। एक साथ मत डालना, धीरे धीरे डालना, 2-3 बार में आप इसको डाल लो और अच्छे से सब कुछ एक साथ मिक्स कर लो। तो मैंने सब कुछ अब ऑलमोस्ट डाल दिया है इसमें। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अभी ये हल्का सा गीला लग रहा है बट, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको और ट्रीट करेंगे तो ये अभी थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो मैंने इसको एक प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं कोई भी नॉर्मल रेगुलर जो आप ऑयल यूज़ करते हो, ऑलिव ऑयल बट या नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल बट मस्टर्ड ऑयल नहीं, उसको मैं इस डो पे डालूँगी, और मैं हल्का सा इसको इस पर अच्छे से इसको मसाज करूँगी और इसको मैं पंच करूँगी। तो जितनी आपकी फ्रस्ट्रेशन, जितना आपका गुस्सा, आप सब इस पर निकाल सकते हो एंड यू कैन फील रिलैक्स्ड। फ्रैंकली मुझे ये करना बहुत रिलैक्सिंग लगता है। तो अच्छे से आप इसको अच्छे से पंच करो, इससे आपके डो में ग्लूटेन डेवलप होगा और आपका डो फ्लेक्सिबल बनेगा, आपका डो राइज करेगा। तो अब मैं थोड़ा सा ये अपने हाथ में ले रही हूँ ऑयल, जस्ट लाइक अ एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र,
और मैं छोटी छोटी बॉल्स लूँगी डो की, बहुत बड़ी नहीं, नॉर्मल साइज बॉल्स लूँगी, और मैं इसको रोल करके फिर अपने हाथ में प्रेस करके इसको लंबा करूँगी, लाइक अ स्नेक मैं इसको लंबा करूँगी। जस्ट मेक श्योर कि वो इक्वल हो जो आप बना रहे हो। उसके बाद इसको मैं ट्विस्ट करके ऊपर की तरफ लाऊँगी, तो ऐसे आप इसको फॉर्म करो, तो ये एक रोल के फॉर्म में ये बन जाएगा। अगर इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू मेक दिस शेप, तो आप जिस भी शेप में कम्फर्टेबल हो आप वो शेप बना लो। मैं फ्रैंकली इसमें कंफर्टेबल थी तो मैं इसमें बना रही हूँ, बाकी कोई भी शेप में जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप बना सकते हो। मैं इसमें कोई स्टफिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आई एम ओनली कीपिंग इट प्लेन। अगर आप चाहो तो आप इसमें स्टफिंग भी कर सकते हो, आप इसमें चीज़ की स्टफिंग कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो वेजिटेबल्स की स्टफिंग कर सकते हो। ये मेरी शेप थोड़ी सी मुझे ईजी लगती है कि बस आप इसको रोल बना लो, उसके बाद आप इसको अपने हाथों में प्रेस करके लंबा कर लो एंड जस्ट ट्विस्ट इट। वेरी ईजी टू डू, बहुत जल्दी से ये शेप बन जाती है। अगर आपको अपना डो थोड़ा सा गीला लगे तो आप उसमें एक्स्ट्रा फ्लावर भी डाल सकते हो, एक्स्ट्रा मैदा भी डाल सकते हो, अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लेना। तो शेप तो कोई भी आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि यही शेप बनाओ, बट थोड़ा सा पतला रखना, बहुत मोटा मत रखना उसको, वरना अदरवाइज वो अच्छे से अंदर तक कुक नहीं होगा आपका डो। तो जस्ट रोल करो, उसके बाद ट्विस्ट करो, वेरी इजी, बहुत इजीली बन जाती है ये वाली शेप, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जब आप सारी शेप, सारा आटा मैंने शेप्स बना ली हैं, अपने रोल्स बना लिए हैं, तो मैंने इसको एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया है और मैं इसको ओवन में अब बेक करूँगी। अब अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कैसे बेक करोगे? आपको एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के नीचे आपको सॉल्ट डालना है, सॉल्ट के ऊपर आपको एक रैक रखना है, उसको आपको ढक देना है, ऊपर से प्री हीट करना है 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद बेक करना है उस कढ़ाई में फॉर 15-20 मिनट्स। अगर आप ओवन में कर रहे हो तो फॉर 180 डिग्रीज 20-25 मिनट्स के लिए आपको बेक करना है। तो कढ़ाई में भी बना सकते हो, ओवन में भी बना सकते हो, मेरे पास ओवन था तो मैं ओवन यूज़ कर रही हूँ। सो दीज आर आउट ऑफ द ओवन नाउ, ये बहुत अच्छे से कुक हुए हैं, राइज हुए हैं, मेरे पूरे किचन में से इतनी अच्छी गार्लिक ब्रेड की खुशबू आ रही है जैसे कि पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज में आती है, बहुत अच्छी खुशबू, एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते ये, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत यमी होते हैं ये। डेफिनेटली गाइज यू हैव टू गिव दिस अ ट्राई, इफ़ यू ट्राई इट यू लव इट। तो आप इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हो, आप इसको टोमेटो सूप के साथ खा सकते हो, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर बटर लगाया है, मैं इसको बटर में डिप करके खाती हूँ, ये बहुत यमी लगता है वैसे ही। आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हो, अंदर से भी गाइज ये बहुत सॉफ्ट बनता है, एकदम भी हार्ड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से भी, जस्ट लाइक ब्रेड, बहुत अच्छा बनता है, बट ब्रेड में जितना हार्डवर्क रिक्वायर्ड है उतना इसमें नहीं होता। सो इट्स अ वेरी क्विक एंड ईजी।